सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस स्पेशल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 27 मार्च 2020 का राशिफल। तो जय सिया राम दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे 27 मार्च के पंचांग के बारे में। तो आज तिथि है तृतीया, नक्षत्र है अश्विनी, पक्ष है शुक्ल पक्ष और दिन है शुक्रवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 6:16 में और सूर्यास्त है 6:36 में। चंद्रोदय है 8:01 AM में और चंद्रास्त है 9:11 PM में। ऋतु है वसंत और आज का दिन काल है 12:20:05 का। महीना है चैत्र, आज आपके लिए शुभ समय है 12:01 से 12:51 तक। अशुभ काल शुरू होता है 8:44 से 9:33 तक। दोबारा है 12:51 से 1:40 तक। राहु काल शुरू होता है 10:54 से 12:26 तक और दिशा शूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब जानेंगे आपके आज के दिन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए आपके आज के दिन का अनोखा टोटका है, तो आप उस टोटके को देखें और फॉलो करें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। आज के दिन आप खुद को मानसिक तनाव से दूर रखने का प्रयास करें और आपके आसपास जहां कहीं भी कोई झंझट हो, कोई विवाद हो, तो उस जगह से, उस स्थल से आप खुद को दूर कर लें। यह आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की बात की जाए, तो आप में से जिन लोगों ने आज से पहले अपने फालतू के खर्चों पर काबू पा लिया था, उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी लोग पैसे फालतू में खर्च कर रहे थे, पैसे की अहमियत को नहीं समझ रहे थे, उन लोगों को आज के दिन पैसों की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आएगी और उनके पास पैसे नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आज के दिन से ही अपने फालतू के खर्चों पर आप कंट्रोल कर लें। यह आपके लिए, आपके आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात की जाए, तो आज के दिन आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके घर के सभी लोग आज के दिन खुश रहने वाले हैं, परिवार में तनाव का माहौल नहीं रहेगा और घर के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, जिसके वजह से आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। तो अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से आपका समय सामान्य रहने वाला है। आज के दिन अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका पर आप शक बिल्कुल भी ना करें। उनके ईमानदारी पर अगर आप शक करते हैं, तो यह आपके लिए, आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत बुरा रहेगा। इस बात को आप याद रखें। वैसे अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो आज के दिन आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर और मधुर रहने वाला है। तो अब जानते हैं कि आज के दिन आप किस उपाय को फॉलो करेंगे, तो आपका समय बेहतर होगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, उपाय ये है कि आज के दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा में पूरे आस्था से, पूरे एकाग्रता से लगे रहें, आपका समय शानदार हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं।